संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आजमगढ़ से सांसद मुलायम सिंह यादव ने संसद में अपनी स्पीच दी। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। पैदावार का घाटा नहीं होने दिया, अगर ज्यादा पैदावार होगी तो समुद्र में फुकवा दिया गेहूं, लेकिन किसान को घाटा नहीं होने दिया। और सारा काम घाटा किसान को ही है, खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है, पानी भी महंगा है, सिंचाई महंगी हो गई, ट्यूबवेल की भी सिंचाई सरकारी की भी महंगी हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये सब जानते हुए बैठे हैं हमारे सभी किसानों के परिवार हो जाता है, किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा, नौजवानों को रोजगार रहेगा, नौकरी मिलेगी,